तो मैं ये कह रहा था कि बहुदलीय प्रणाली में अक्सर क्या होता है, बहुमत की दिक्कत होती है, और इस बहुमत संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए गठबंधन की राजनीति होती है। क्या होती है? गठबंधन की राजनीति होती है। तो भारत में भी गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि 77 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, 30 साल, 1947 से 77 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, इसलिए कि उस समय कांग्रेस का हेजेमनी रहा देश में और हर जगह कांग्रेस की ही जीत होती थी। धीरे धीरे लोगों का कांग्रेस से मोह भंग होने लगा, और जो लोग कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है वो किसी एक खास पार्टी में नहीं जा रहे हैं, तब तक और बहुत सारे उनको विकल्प मिले हुए हैं मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में, और वोट बढ़ता गया। तो कांग्रेस का हेजेमनी, कांग्रेस का मोनोपोली, कांग्रेस का जो एकाधिकार था भारत की राजनीति पर, वो जब 77 में टूटा तो कोई उसकी जगह पर एक सिंगल ऑप्शन बन के नहीं आया ना, कई सारी पार्टियां उभरी। जनता पार्टी ने कोशिश करी कांग्रेस के विकल्प बनने की, लेकिन वो बिखर गए। तो लौट चलते हैं हम लोग अपने मूल मुद्दा में। हम लोग का मूल मुद्दा क्या था? वो ये था कि हम ये देख रहे थे कि देश में NDA और UPA दो पॉलिटिकल ग्रुप हैं, पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप को क्या कहते हैं, जो आज रूलिंग पार्टी है, NDA। क्या कहते हैं? NDA। और NDA का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये BJP और उसके साथी दलों का समूह है जो अभी देश में शासन कर रही है। इसको हिंदी में कहते हैं राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। याद हो गया सबको? NDA का मतलब क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये BJP और उसके साथ ही दलों का समूह है जो साथ चुनाव लड़ते हैं और साथ सरकार बनाते हैं, जैसे अभी NDA का शासन है, BJP का शासन ठीक है। दूसरा ग्रुप क्या बताया कि UPA है। क्या है? UPA है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसको हिंदी में कहते हैं संप्रग, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और ये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन क्या है? कांग्रेस और उसके साथी दलों का समूह है। तो मेनली दो समूहों के बीच ही अब चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय चुनाव जो होता है वो मेनली इसी दो समूह के बीच होता है। एक तीसरा मोर्चा भी आप बीच में देख सकते हो, थर्ड फ्रंट भी देख सकते हो, कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ सोशलिस्ट या रीजनल पार्टी जो कांग्रेस या BJP किसी भी समूह में शामिल नहीं है। तो बीच बीच में एक तीसरा मोर्चा का भी गठन भारत में होता रहा है, लेकिन तीसरा मोर्चा कभी सफल नहीं हुआ है। और ये दोनों जो ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, NDA और UPA, इन्होंने सक्सेसफुली देश को गवर्नमेंट भी दिया है और देश को लीडरशिप भी दिया है। तो ये दो तरह की पॉलिटिकल विंग इंडिया में क्रिएट हुए हैं। तो कल NDA ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बना दिया, किसको? जगदीप धनखड़ को। किसको बनाया? जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया। किसने? NDA ने। UPA की ओर से अभी नाम नहीं आया है, लेकिन चूंकि NDA के पास इतने ज्यादा वोट्स हैं ना, कि वो जिसको कैंडिडेट डिक्लेयर करेगा जीत उसी की होगी। अब विपक्ष कोई भी उम्मीदवार देवे, मतलब UPA कोई भी उम्मीदवार देवे, उपराष्ट्रपति बनना तय है किसका? जगदीप धनखड़ का, क्योंकि NDA ने उनको अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कल प्राइम मिनिस्टर खुद अपने साथ उनको ले जाके उनका नॉमिनेशन करवाए। तो अब हम लोग को मान लेना है अगले 5-7 साल के लिए हमारे जीके का एक हिस्सा हो गए कौन? जगदीप धनखड़। ये भारतीय गणतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है, समझ रहे हैं ना? जब ये बात कहता हूं कि ये भारत का सबसे बड़ा गणतंत्र है, ये विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है, तो कुछ लोग इसमें प्रश्न भी लगा सकते हैं, इफ बट लगा सकते हैं कि चीन तो भारत से बड़ा है। चीन में राइट टू एक्सप्रेशन नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, और इस आधार पर उसको हम डेमोक्रेटिक नेशन नहीं मान सकते। तो यहाँ हम लोग क्या समझ रहे हैं कि वर्ल्ड के सबसे बड़े रिपब्लिक,
ना डेमोक्रेसी के प्रेसिडेंट के रूप में आ चुके हैं द्रौपदी मुर्मू, और उपराष्ट्रपति के रूप में देश लगभग चुनने ही वाला है किसको, जगदीप धनखड़ को। और इसके साथ हम लोगों ने इसके प्रारंभ का इतिहास भी देखा था, क्लियर है? नहीं शांत रहिए, नहीं देखा था, अब भी दिखा देता हूँ, अभी पूछ लेता हूँ, क्लियर रहिए। चलिए अब दो बात इसमें बच गई महत्वपूर्ण, वो ये था कि हमने ये तो बता दिया तुम्हें कि ये जो राधा कृष्णन थे वो इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, तो ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कब बने, 52 में। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, तो ये प्रेसिडेंट कब बने, 1952 में। तो इंडिया तो आज़ाद हो गया 1947 में ना। बी क्वाइट, ध्यान से सुनो सिर्फ, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया 1947 में, लेकिन हमने अपना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनाया कब, 1952 में। तो 5 साल तक हेड ऑफ स्टेट कौन था, हमको तो पता है कि 47 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, क्या बने, तो प्रधानमंत्री तो हमने बना दिया, किसको बना दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन हमने राष्ट्रपति किसी को बनाया, तो राष्ट्रपति मतलब हमको पता है हेड ऑफ, राष्ट्रपति मतलब हमको पता है हेड ऑफ स्टेट देश का प्रधान, प्रधानमंत्री का मतलब पता है हेड ऑफ गवर्नमेंट सरकार का प्रधान। हमारे यहाँ दोनों दो होता है क्योंकि हम संसदीय लोकतंत्र हैं, क्या हैं, संसदीय लोकतंत्र हैं, अध्यक्षीय लोकतंत्र में दोनों एक ही होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन वहाँ का हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, लेकिन भारत में हेड ऑफ स्टेट हैं राष्ट्रपति और हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं प्रधानमंत्री। तो 1947 में इंडिया में प्राइम मिनिस्टर तो बन गए नेहरू, हो 15 अगस्त 1947 माना कि देश आज़ाद हो गया, तो देश आज़ाद हो गया तो प्रधानमंत्री तो बन गए कौन, नेहरू, गवर्नमेंट ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में वे अपॉइंट हो गए। और ये राष्ट्रपति तो हमने बनाया नहीं, राष्ट्रपति तो हमारे पहले आए कब, 52 में, 5 साल बाद। तो ये 5 साल तक हेड ऑफ स्टेट कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री है ना, हेड ऑफ स्टेट कौन है 47 से 52 तक, गवर्नर, गवर्नर जनरल के रूप में पहले कौन रहे, सुनो, माउंट बेटन और फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बी कॉन्शियस, लास्ट इंफॉर्मेशन है, लास्ट पीस। अब देखो यहां ध्यान से, फाइनल सुन के जाओगे।